डियर स्टूडेंट्स, कल हमने इससे पहले जो लेक्चर किया था उसमें हमने किया था यही एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, ओके। लेकिन हमने उसमें फेजर सॉल्यूशन किया था, आज हम इसको करेंगे एनालिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। एनालिटिक सॉल्यूशन, ठीक है, वही हम सर्किट बना देंगे। ये हो गया आपका एल इंडक्टर, एलसीआर सीरीज सर्किट का यही, ठीक है ना। तो ये आपका कैपेसिटर एंड दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द एसी सोर्स विच हैज बीन अप्लाइड हियर टू दिस एलसीआर सीरीज सर्किट। नाउ लेट अस सपोज दैट एसी सोर्स विच इज अप्लाइड हैज अ पोटेंशियल V इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ वेयर वी एम इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नाउ एट एनी इंस्टेंट लेट द करंट बी इन दिस डायरेक्शन, देन देयर विल बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर विच हैज अ कैपेसिटी सी एंड दिस हैज इंडक्टर हैज इंडक्टेंस एल एंड दिस हैज रेजिस्टेंस आर। सो देयर विल बी पोटेंशियल ड्रॉप्स, दीज पोटेंशियल ड्रॉप्स इन मैग्नीट्यूड एट इंडक्टर विल बी एल डी आई बाई डी टी, वायर वॉट इज डी आई, डी आई आपका है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक। एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी क्यू बाई सी, एज यू नो क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक। एंड हेयर पोटेंशियल ड्रॉप विल बी आई आर, ठीक है। नाउ इफ वी अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ इन दिस सर्किट, देन यहां पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया वी, देन दैट वी इज डिवाइडेड इनटू यहां पर उसमें से कुछ ड्रॉप हो गया, कुछ ड्रॉप यहां हो गया पोटेंशियल का, कुछ ड्रॉप यहां हो गया। सो वी विल गेट दिस जो पोटेंशियल है वो तीन पार्ट्स में सेपरेट हो गया, तो ये होना चाहिए बराबर सम ऑफ दीज। सो एल डी आई बाई डी टी प्लस पहले लिखूंगा मैं आई आर एंड प्लस क्यू बाई सी, ठीक। नाउ लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर बी क्यू, बिकॉज इट्स एन इंस्टेंटेनियस चार्ज एंड डिपेंड्स अपॉन टी, सो वी कैन राइट आई, ये जो आई है वी कैन राइट इट एज डी बाई डी टी, ये बनेगा आपका डी क्यू बाई डी टी, बिकॉज वी कैन डिफ्रेंशिएट चार्ज बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम एंड दिस इज टाइम डिपेंडेंट बिकॉज आई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको डी आई टी। तो इसमें क्या लिखेंगे, आई को हमें डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, आर हम यहाँ लिखेंगे इसको, ठीक, आर इंटू डी क्यू बाई डी टी इस आई का वैल्यू प्लस क्यू बाई सी, ठीक। तो ये क्या बनेगा आपका, वी इज इक्वल टू एल, यहाँ बनेगा सेकेंड डिफरेंशियल डी टू क्यू एल डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। नाउ वी किसके बराबर है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो हम यहां इसमें ये भी लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। दिस इक्वेशन यहां से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इन क्यू, चार्ज में है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस यहां से ये है ड्राइवर जो फ्रीक्वेंसी है जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है, तो इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सेम एज डैम्पड सिंपल हार्मोनिक मोशन विच यू हैव ऑलरेडी फेमिलियर इन क्लास 11th। सो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्पड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। एंड इसका सॉल्यूशन जो होता है वो जैसे वहां पर हम सॉल्यूशन निकलते थे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ऐसा कुछ लिखते थे, है ना। सो सॉल्यूशन और सिमिलरली चार्ज क्यों में है, वेरिएबल यहां पर क्यों है, सो वी एज्यूम दैट चार्ज सॉल्यूशन ऑफ दिस इज क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। व्हाट इज क्यू एम, क्यू एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, ओके, दिस इज वेरिएबल चार्ज, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज एंड थीटा इज द जो एंगल बिटवीन दिस वोल्टेज एंड
दिस चार्ज, ये फेज एंगल है थीटा, इनके दरमियान। तो अब हम करंट के असल में हमने क्या देखना है, करंट और वोल्टेज के दरमियान ये फेज डिफरेंस क्या है, वो हमें असल में रिलेशन निकालनी है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ इन दिस इक्वेशन वी हैव डी क्यू बाई डी टी, सो वी विल डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू टी, सो वी विल गेट डी क्यू बाई डी टी। चूंकि क्यू एम इज कॉन्स्टेंट, साइन की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, कॉस, और इंटरनल डिफरेंशिएशन इसकी आएगी चूंकि थीटा कॉन्स्टेंट है, ओमेगा टी क्या आएगी, ओमेगा, सो इट विल बी क्यू एम ओमेगा साइन साइन की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 4। अब हमें क्या जरूरत है, डी टू क्यू, डी टू क्यू बाई डी टी टू, सो वी विल डिफरेंशिएट दिस अगेन एंड गेट द डी क्यू बी डी क्यू, वी विल गेट डी क्यू टू डी टू, विल गेट डी टू क्यू बाई डी टी टू। फिर से इसको डिफरेंशिएशन करो, ये कॉन्स्टेंट है, कॉस की आएगी माइनस माइनस इंटरनल डिफरेंशिएशन पहले लिखेंगे, इसकी क्या आएगी ओमेगा, अगेन यहां पर ऑलरेडी ओमेगा है, इट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस तो मैंने लिखा कॉस का, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस पहले लिखा मैंने, ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट इज इक्वेशन 5। नाउ वी हैव दीज वैल्यूज, डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू और डी टू क्यू बाई डी टी का वैल्यू। अब हम किसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये थोड़ी लंबी इक्वेशन है। तो ये वैल्यूज में किसमें सबस्टिट्यूट करूंगा, इसमें। ठीक, क्या क्या, क्यू एम बाई क्यू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्यू जैसे ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू, ये क्यू का यहाँ, ये डी क्यू बाई डी टी का, ये डी टू क्यू बाई डी टी का यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब हम इस इक्वेशन में देंगे। अब इक्वेशन 2 में वी विल सबस्टिट्यूट इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, सो वी विल गेट वी एम, यहाँ से ऐसे ये भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी ये इज इक्वल टू, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, एल डी टू क्यू, वो किसके बराबर है, डी टू क्यू बाई डी टू टू, माइनस माइनस में यहां लिखता हूं क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, आ गया ये। अब यहां पर क्या है, आर लिखेंगे प्लस आर डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या है, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, उसके बाद प्लस, तो प्लस क्यू, क्यू क्या है हमारा, क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट इज क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी, क्योंकि यहां पर सी है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब देखिए यहां पर मैं करूंगा इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखना, मैं यहां पर करूंगा ओमेगा से मल्टीप्लाई भी और ओमेगा से यहां डिवाइड भी। ठीक, नाउ वी कैन टेक कॉमन, देखिए ओमेगा यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी कॉमन निकलेगा, क्यू एम, क्यू एम यहां पर भी कॉमन निकलेगा। ठीक, तो बचा क्या यहां पर, तो हम लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी, यहां पर हमने कॉमन क्या निकाला, एक तो निकाला ओमेगा और तो निकाला क्यू एम। ठीक है, तो यहां क्या बचा, तो वो थोड़ा यहां पर लिखेंगे, मैं थोड़ा इसको लिखूंगा यहां पर, क्यू एम ओमेगा कॉमन निकाला, ये जो R वाला ये पहले लिखूंगा मैं, ये टर्म, तो क्यों हम ये निकला, तो यहाँ क्या बचा, R cos ओमेगा T प्लस थीटा। ठीक, ये लिखा हमने पहले। अब ये दो ले लो, यहाँ पर क्यों हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस L ओमेगा साइन ओमेगा T प्लस थीटा। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमने ओमेगा कॉमन क्यों भी निकाला, यहाँ बचेगा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो ये आ गया यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन दो में से हम साइन भी कॉमन निकाल सकते हैं,
तो अगर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इन दो में कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पर क्या था, यहां पर यहां ओमेगा है, ठीक, ये ओमेगा यहां पर, मैं भूल गया, ठीक। तो अगर मैं यहां पर इसको फिर से लिखूं तो इस इक्वेशन को मैं अब यहां पर लिखूंगा, ये मैं यहां पर साफ करूंगा। देखिए इसको फिर से लिखेंगे, ओमेगा वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, अंदर से क्या है, ये क्यू एम हमने बाहर निकाला है, क्यू एम ओमेगा आर आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, इन दो में से अब हम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन निकालेंगे, तो प्लस यहां क्या बचेगा, माइनस एल ओमेगा प्लस वन बाय ओमेगा सी या सी ओमेगा, तो कॉमन क्या निकाला इन दो में से हमने, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो ये क्यू एम ओमेगा ये सब को कॉमन है, ठीक है। उसके बाद वी नो दैट एक्स सी किसके बराबर है, एल ओमेगा, ठीक, एंड एक्स एल किसके बराबर है, एक्स सी वन बाई सी ओमेगा है और एक्स एल सी ओमेगा के बराबर है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये दो वैल्यू, तो क्या बनेगा ये पूरी इक्वेशन फिर से, वी एम साइन ओमेगा टी यहां पर क्यू एम ओमेगा, ठीक, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, अब इसके बदले में क्या लिखेंगे, एक्स एल, ठीक, माइनस एक्स एल, तो ऐसे लिखेंगे, माइनस को बाद में लिखे, पहले प्लस को लिखेंगे, तो वन बाई सी ओमेगा के बदले में लिखेंगे एक्स सी माइनस एक्स एल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, जलशानो। नाउ ये जो इक्वेशन हमें निकली, थोड़ी सी लंबी चौड़ी इक्वेशन है, बी पेशेंट। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा जेड से, ठीक, तो यहां इसमें भी जेड से डिवाइड करूंगा आर बाई जेड, और यहां इसको जेड से डिवाइड करूंगा, क्योंकि अगर हम फिर से जेड कॉमन निकालेंगे वो इस जेड के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल पुट आर बाई जेड इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई एंड एक्स सी माइनस एक्स एल बाई जेड इक्वल टू साइन ऑफ फाई, दिस इज लेट अस से इसको स्मॉल आई लिखेंगे, स्मॉल सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको पहले स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, फिर एड करेंगे। व्हेन वी स्क्वायर एंड एड व्हाट वी विल गेट आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल बाई जेड होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, जब हम स्क्वायर एड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इट विल बी वन, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर, इसको क्रॉस में जेड जेड स्क्वायर, तो यहां जेड स्क्वायर होगा, ठीक। तो अगर जेड स्क्वायर को यहां मैं ये हटा दूं तो यहां क्या लगेगा, अंडर रूट, ठीक है, जेड स्क्वायर हटाया तो यहां अंडर रूट, दिस जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स दिस होल स्क्वायर इज एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर इज कॉल्ड द इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट, ये आपको फेजर में भी मिला था। दूसरी बात, अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग दिस सेकंड बाय फर्स्ट व्हाट वी विल गेट, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इस चीज को हम साफ कर देते हैं यहां, देखिए अब इन दो को हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी साइन फाइव बाई कॉस फाइव, दैट इज टेन फाइव विल बी इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई जेड होल डिवाइडेड बाई आर बाई जेड, so z and z will cancel out, so what we'll get, we will get tan phi equal to xc minus xl divided by r, or phi is equal to tan inverse
एक्स सी माइनस एक्स एल, ये आपको वहां पर भी निकला था व्हेन हमने फेजर एनालिसिस की है, ठीक। वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, उसकी लिंक। नेक्स्ट, नाउ लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर शायद 6 लिखेंगे इसको, ये जो हमारी है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट आर बाय जेड, उसके बदले में लिखेंगे कॉस फाई, और एक्स माइनस एक्स एल बाई जेड के बदले में लिखेंगे साइन फाई। तो व्हाट विल बी दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल बी वी एम Vm sin omega t is equal to, क्या क्या निकलेगा, z qm omega, ठीक, into इसके बारे में क्या लिखेंगे cos phi, cos of phi, और उधर अपना क्या था cos omega t plus phi, फिर क्या है plus xc minus xl by z, तो वो किसके बराबर है sin phi, तो और यहां क्या है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ ये एक जानी पहचानी फार्मूला है, कॉस ए, इसको मानो कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ठीक, वो आपको पता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस, ये फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे, ठीक। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए हम इसको ए मानेंगे और इसको बी, ठीक, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सो इट विल बी यहां से क्या था वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू Z QM ओमेगा, तो ये क्या बनेगा सारा cos of A that is omega T plus this is theta, ये theta है यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि हमने इनिशियली theta लिया था, ठीक है, so cos A that is omega T plus theta cos omega t plus theta minus b that is phi, ठीक है। तो अगर आप यहां पर कंपेयर करेंगे, पहले इसको हम लाएंगे cos को इन टर्म्स ऑफ sin, तो कैसे लाएंगे vm sin omega t is equal to z qm ओमेगा, तो ये कैसे साइन बनेगा कॉस, इसको जब हम करेंगे साइन ऑफ ये सब जो पूरा थीटा है, ठीक, ओमेगा टी साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी हमने यहां पाई बाई टू ऐड किया, अगर फिर से ये थीटा मानेंगे हम साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है, साइन ऑफ 90 प्लस या पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हमने यहां पर लिया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसको, देखिए वोल्टेज के वीएम के बदले में यहां क्या है मैक्सिमम वैल्यू जेड क्यू एम ओमेगा, ठीक, तो वीएम जब कंपैरिजन करेंगे वीएम विल बी इक्वल टू जेड, ऐसे लिखेंगे क्यू एम चार्ज पहले लिखेंगे जेड ओमेगा, ठीक। और अब देखिए यहां पर वीएम किसके बराबर, तो वोल्टेज होती है एज पर ओम्स लॉ करंट इनटू रेजिस्टेंस, नाउ करंट तो यहां ऐसे लिखूंगा क्यू ओमेगा Z, Z तो पता है Z impedance, that is the, जो complex circuit की resistance होती है, overall that is the Z, तो ये अगर resistance आ गई, तो ये क्या करती है represent, that must represent current, क्योंकि यहाँ maximum value है, तो ये maximum value amplitude of the current देगा, that is IM will be equal to QM omega, ठीक, and so VM will be equal to IM Z, ठीक है, यहाँ तक आ गया। also अब हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहां पर भी साइन है यहां पर, अब हम कंपेयर, तो यहां पर क्या है ओमेगा टी इस साइड में, तो इस साइड में क्या है ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइ माइनस फाइ प्लस पाई बाई टू, ठीक है, सो ओमेगा टी ओमेगा टी जाएगा, सो वी विल गेट थीटा, इसमें से क्या निकलेगा ये इस साइड में जाएगा दैट इज फाइ माइनस पाई बाई टू, ठीक है, ये हमें निकला थीटा का वैल्यू। तो
हमने इनिशियली चार्ज क्या लिया था, ये ठीक, तो हमने लिया ये, हमने पहले रिलेशन निकाल के रखी थीटा और इसके दरम्यान फाई के दरम्यान क्या है ना। अब हमने चार्ज लिया था क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। नाउ करंट कैसे आएगी, आई विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ठीक। सो आई विल बी डी क्यू बाई डी टी, क्यू एम की डिफ्रेंशिएशन कोई नहीं होगी, साइन की डिफ्रेंशिएशन दैट इज कॉस, ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन ओमेगा वो यहां लिखेंगे ओमेगा टी प्लस थीटा, ये तो आपको पता है, इट इज ईजी। तो ये आ गई आपकी करंट। अब इफ वी कंपेयर विद दिस करंट, सो क्यू इंटू ओमेगा एम विल बी आई ओमेगा इंटू क्यू एम दैट इज द आई मैक्सिमम और द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस करंट। सो यहां पर आप सबस्टिट्यूट कर लेंगे, आई विल बी इक्वल टू आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। नाउ थीटा का यहां हमने वैल्यू निकाला है, थीटा किसके बराबर है, फाइव माइनस फाइव बाई टू, तो यहां पर हम लगा देंगे आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव बाई टू, थीटा माइनस नाइनटी दैट इज साइन नाइनटी, कॉस ऑफ नाइनटी माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, सो आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा यहां पर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये करंट है। आई एम ऑल्सो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड, तो जेड हमने निकाल के रखा है, वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। आप एक्स एल माइनस एक्स सी या वो एक्स एक्स एल एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर या एक्स सी माइनस आप एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर लिखो या एक्स एल माइनस एक्स सी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एंड टैन फाई किसके बराबर आपको निकला, फाई वो तो निकला आपका एक्स एल टैन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो ये वही एनालिसिस है जो हमने फेजर डायग्राम से की थी, ठीक। थोड़ी सी इसमें इक्वेशंस ज़्यादा लंबी चौड़ी है, तो उनका आस्ते आस्ते सॉल्व करना चाहिए तो वो निकलती है, ठीक है ना। ओके, तो जो डायग्राम वगैरह वो उसमें है, तो वो मैं लिंक में वो पिछला वीडियो इसमें डाल के रखूँगा फेजर डायग्राम वाला, तो आप वो कर देना, ठीक है। थैंक यू।